बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 7 का दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ रिलेट करते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारे पास एक वर्टिकली हैंग स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग के साथ एक मैस एम अटैच है। इस मैस एम की मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए हमने इसके साथ एक पॉइंटर P1 अटैच किया है। और जब ये मैस इस स्प्रिंग के साथ वाइब्रेट करता है सिंपल हार्मोनिकली, तो ये पॉइंटर P1 इस मैस की मोशन को इस लाइन BC पर डिस्प्ले करता है, जिसमें A हमारे पास इस मैस की मीन पोजीशन है और B और C जो हैं वो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। A से लेकर C तक या A से लेकर B तक जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं और उसको मैंने एक्स नॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसी तरह मेन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक दरमियान में किसी भी पॉइंट तक अगर आपने डिस्टेंस लेना है तो उसे हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और इस डिस्प्लेसमेंट को इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। अब हम इस टॉपिक में करना क्या चाहते हैं? हम इस टॉपिक में इस पॉइंटर की मोशन को एक ऐसे पार्टिकल की मोशन के साथ रिलेट करना चाहते हैं जो पार्टिकल एक सर्कल पर मूव कर रहा है। अब ये पार्टिकल P जो है ये इस सर्कल पर मूव करता है, जिस सर्कल का रेडियस जो है वो एक्स नॉट है, और इस पार्टिकल पी ने अपनी एक रोटेशन जितने टाइम में कंप्लीट करनी है वो इस मैस के टाइम पीरियड के इक्वल है। तो यहां से मेरे पास AB ये वाली लेंथ, AC या फिर ये वाली लेंथ, या फिर OD हमारे पास ये रेडियस है इस सर्कल का, या OP ये भी हमारे पास रेडियस है इस सर्कल का। ये जो चीजें हैं ये एक्स नॉट के इक्वल हैं, यानी ये एम्पलीट्यूड के इक्वल हमने ली हुई हैं। अब हम इस पार्टिकल पी की बात कर लेते हैं कि ये पार्टिकल पी जो है ये इस सर्कल पर यूनिफॉर्म एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ मूव कर रहा है। इस पार्टिकल पी की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 2π/T, यानी कि ये पार्टिकल पी जो है ये 2π रेडियन जो है वो टी टाइम पीरियड में कवर कर लेता है, और ये टी इसका जो पीरियड है एक चक्कर मुकम्मल करने का वो इस मैस के टाइम पीरियड के इक्वल है। तो इसको यहां से मैं लिखूंगा 2π/1/T को हमने अलग कर लिया, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2π f। तो ये वो यूनिफॉर्म एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जिसके साथ ये पार्टिकल पी जो है ये सर्कल पर मूव कर रहा है। अब मैं आपको पहले टाइम इंटरवल्स के बारे में बता देता हूँ और साथ में एंगल के बारे में बता देता हूँ। तो इस O1 पोजीशन पर जब ये पार्टिकल P होगा तो वो 0 टाइम होगा, टाइम P इज इक्वल टू 0 होगा। उसके बाद ये पार्टिकल O1 से D पर चला जाएगा, तो उसको हमने T/4 इंटरवल लिया है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये T/4 इंटरवल है। T/4 में फर्दर T/4 ऐड किया तो हम इस पोजिशन तक चले गए, तो ये T/4 + T/4 T/2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 3T/4 हो जाएगा, और 3T/4 में जब हम T/4 और ऐड करेंगे तो हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे जो कि हमारे पास एक कंप्लीट चक्कर हो जाएगा, जो एक कंप्लीट चक्कर टी टाइम पीरियड में होना है। जिस वक्त ये मैस एम जो है ये ए पोजीशन पर मौजूद होता है टी इज इक्वल टू 0 पर, उस वक्त ये पार्टिकल पी जो है ये इस पोजीशन O1 पर मौजूद होता है, और इसी तरह इस लाइन OP की दो प्रोजेक्शन आनी है जो कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से मिलेंगी। एक परपेंडिकुलर हमारे पास ये आ गया, इससे हमारे पास एक ये वाली प्रोजेक्शन आएगी और एक हमारे पास ये प्रोजेक्शन आएगी ON। हमने ON को इसलिए लिया है क्योंकि इस N की जो मोशन की डायरेक्शन है वो इस पार्टिकल की मोशन की डायरेक्शन के पैरेलल है। हम इस OP की प्रोजेक्शन ON, उसके बाद इस पार्टिकल P की मोशन और इस पॉइंटर P1 या इस मैस की मोशन, इन तीनों को हम आपस में रिलेट करने जा रहे हैं। तो एट टी इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा? एट टी इज इक्वल टू 0 पे मैस एम जो है वो ए पोजीशन पर मौजूद होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा मैस एम इज एट ए पोजीशन, और जब ये मैस एम ए पर होगा तो ये पार्टिकल पी जो है ये इधर O1 पर मौजूद होगा, क्योंकि यहाँ से इसने अपनी मोशन स्टार्ट करनी है, फिर इधर को जाना है इसने ऐसे रोटेट करके। तो पी पॉइंट जो है वो O1 पोजीशन पर मौजूद होगा। इसी तरह ये प्रोजेक्शन N जो है ये इधर O पर मौजूद होगी, तो हमारे पास N जो है वो एट O आ जाएगा। अब
जब अगला इंस्टेंट आएगा टी बाई फोर, यानी कि 0 के बाद टी बाई फोर इंटरवल आएगा, तो उस वक्त क्या होगा, ये मैस एम ए से मूव करके बी पर चला जाएगा। तो एट टी इज इक्वल टू टी बाई फोर के लिए मैं लिखूंगा मैस एम एट बी पोजिशन। इधर से ये पार्टिकल जो इधर ओ वन पर मौजूद था, ये ओ वन से मूव करके अब ये डी पर चला जाएगा, तो इधर से पी आ जाएगा एट डी। इसी तरह ये प्रोजेक्शन एन जो ओ पर मौजूद थी, ये ओ से मूव करेगी और ओसिलेट कर ये डी पॉइंट पर चली जाएगी, तो इस एन की डायरेक्शन आ जाएगी ओ टू डी। इस इंटरवल के लिए टी बाई फोर के लिए, तो ये मैं लिख रहा हूँ ओ टू डी। इसके बाद अगला इंटरवल आ जाएगा, अगला इंटरवल हमारे पास है टी बाई फोर टू टी बाई टू। तो इस इंटरवल में क्या होगा, इस इंटरवल में ये मैस बी से ए पर वापिस आ जाएगा। तो ये देखिए टी इज इक्वल टू टी बाई टू में मैस ए पर वापिस आ गया। इधर से ये पार्टिकल जो पी था वो डी से ओ टू पर चला जाएगा, तो टी इज इक्वल टू टी बाई टू पे पार्टिकल पी जो है वो डी से ओ टू पर आ चुका है, तो ये ओ टू पर पार्टिकल मौजूद है। इसी तरह ये प्रोजेक्शन एन जिसकी डायरेक्शन पहले ओ से डी तक थी, अब उसकी डायरेक्शन डी से ओ की तरफ हो जाएगी। ये तीनों काम जो हैं, इस मैस की मोशन, इस पार्टिकल पी की इस सर्कल पर मोशन, और इस प्रोजेक्शन एन की इस डायमीटर डी ई पर जो ऑसिलेशन है, ये तीनों एक दूसरे से इस तरह से रिलेट करते हैं। अब हम एंगल के हिसाब से बात कर लेते हैं। तो इस पोजीशन पर जब ये पार्टिकल इधर होगा तो ये एंगल थीटा की वैल्यू जीरो होगी, जैसे जैसे ये पार्टिकल इधर को जाएगा थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इस पोजीशन पर एंगल है 90 डिग्री, यानी पाई बाई टू रेडियन। जब ये पार्टिकल इधर आता है तो यही थीटा जो है ये 180 डिग्री, यानी पाई रेडियन हो जाता है। जब पार्टिकल इधर आता है तो ये 270 हो जाता है, और जब पार्टिकल वापिस इधर जाता है तो 2 पाई रेडियन, यानी 360 डिग्री कंप्लीट हो जाते हैं। इन डिफरेंट एंगल्स के लिए ग्राफ ड्रॉ किया है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो ग्राफ हम एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट और एंगल थीटा के दरमियान में ड्रा करते हैं। तो थीटा की डिफरेंट वैल्यूज मैंने ली हैं, जिनमें पहली वैल्यू है 0 डिग्री, उसके बाद है 90 डिग्री, उसके बाद है 180, उसके बाद है 270, और उसके बाद है 360। और इन वैल्यूज के लिए साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली है। अब हमने साइन थीटा इसलिए यूज किया है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन से जो ग्राफ बनता है वो साइन वेव होती है। तो साइन वेव के लिए हमारे पास ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करते हैं। जैसा कि आप ये देखेंगे मैस है जो स्प्रिंग के साथ अटैच है, जब ये मैस एक्सट्रीम पर होता है फिर एक्सट्रीम से ये मीन की तरफ आता है, तो जैसे ही ये मीन की तरफ आता है तो ये ग्राफ भी इधर को आ रहा है। उसके बाद ये मैस जो है ये अगली एक्सट्रीम की तरफ जाता है तो ग्राफ भी साथ में इधर आता है, फिर ये मैस वापिस मीन की तरफ जाता है तो ग्राफ भी साथ में उधर को चला जाता है। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो हमारे पास ग्राफ होता है वो साइन वेव होती है। तो साइन जीरो हमारे पास जीरो के इक्वल होता है, साइन 90 1 के इक्वल होता है, साइन 180 0 के इक्वल होता है, साइन 270 -1 के इक्वल होता है, और साइन 360 जो है वो भी 0 के इक्वल होता है। थीटा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमारे पास एक्स की जो वैल्यूज आई हैं उनसे हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया है। फॉर एग्जांपल देखें, यहाँ पे हमारे पास ये 0 है जहाँ पे वैल्यू, ये है वैल्यू 1 और ये है वैल्यू -1, और इस डायरेक्शन में हमारे पास है एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट, और इस डायरेक्शन में हमारे पास है थीटा की वैल्यूज। तो जब थीटा जीरो तो एक्स भी जो है वो जीरो आ जाएगा, जब थीटा 90 होगा तो हमारे पास वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये पाई बाई टू पे वैल्यू है। जब थीटा पाई होगा तो इधर से एक्स भी जीरो हो जाएगा, जब थीटा हमारे पास 3 पाई बाई टू होगा ये देखें, तो यहाँ से आपके पास जो x है वो -1 पर चला जाएगा, तो यहाँ पे ये 3 पाई बाई टू एंगल है। और जब थीटा 360 डिग्री हो जाएगा तो x की वैल्यू जो है वो वापस 0 पर आ जाएगी। तो ये वही ग्राफ है जो मैंने ये बनाया हुआ है। इस ग्राफ में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लाइन है रेड वाली, ये x नॉट है जो हमें एम्पलीट्यूड बताती है, और ये लेंथ इसके इक्वल है। उसके बाद a से लेकर इस पॉइंट तक, लेट्स सपोज इस पॉइंट को मैं z कह देता हूँ, a से z तक जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने x कहा है, दैट इज इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। और यही जो लेंथ है वो आप देखें इधर को जा रही है,
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कोई लेंथ है जिसको हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इस तरह से हमने तीन चीजों की मोशन को आपस में रिलेट कर लिया, एक इस मैस की सिंपल हार्मोनिक मोशन इस बी सी पर, उसके बाद इस पार्टिकल पी की सर्कुलर मोशन, और इस प्रोजेक्शन एन की डी ई पर ऑसिलेटरी मोशन। हमने ये सब क्यों किया? ये हमने इसलिए किया कि अगर हम इस मैस एम के लिए इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन निकालना चाहते हैं, हम प्रोजेक्शन एन के लिए जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे वही इस मैस एम के लिए होल्ड करेगा। जो हम प्रोजेक्शन एन की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे वही इस मैस की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का रिलेशन होगा। जो हम इस प्रोजेक्शन एन के लिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालेंगे वही इस मैस एम के लिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का रिलेशन होगा। तो इस तरह से हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ रिलेट कर सकते हैं।